नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि सीएनसी टर्निंग मशीन पे हम ऑफसेट कैसे लेते हैं। ओडी टर्निंग के लिए अगर हमें ऑफसेट लेना हो तो हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, ये सारे के सारे स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है आपको इस पैनल पे आपको जो है दिखा देता हूँ कि जब भी आप ऑफसेट लेना चाहें तो आप जो है या तो हैंडल मोड यूज़ कर सकते हैं या जॉग मोड यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले हैंडल मोड का यूज़ करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है टूल हमारा, आप देख सकते हैं टूल की पोजीशन जो है इस तरीके से है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है सबसे पहले तो जो है हैंडल मोड में जो है पहले इसको जो है जेड में लेके चलेंगे, ठीक है। जेड में हम इसको सबसे पहले टच करा के दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए जैसे हम ये एमपीजी को घुमाएंगे यहाँ पर 10 माइक्रोन में लेके चलना है, एक हाथ से जो है हम इसको घुमाते चलेंगे। इधर देखो, एक हाथ से जो है हम इसको यहाँ पर घुमाते चलेंगे ताकि जो है हमारा कोई कट जो है ना लगे। जैसे ही हमारा जो है इस फेस पर टच हो जाएगा टूल, तो अब हम जो है यहाँ पर जेड की वैल्यू ज़ीरो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पैनल पे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है ये ऑफसेट वाला जो बटन है इसको प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑफसेट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन आ जाए, अगर आपका ज्योमेट्री वाला सेक्शन नहीं आता है तो आप ज्योमेट्री वाले सेक्शन को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ज्योमेट्री लिखा हुआ है, तब आप जो है यहाँ पर देखिए कौन से नंबर का टूल आपका जो है चल रहा है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का टूल चल रहा है हमारा, ऊपर दिखा दो। तो ये वाला जो टूल है इस टूल के आगे जो है हम पहले इसमें जेड में लेके जाएंगे, ठीक है। कर्सर को जेड में हमने यहाँ पर लेके गए, ये देखिए जेड में जब हमारा ये है कर्सर आ जाएगा तो उसके बाद हमको टाइप करना है जेड 0.0। जैसे ही आपने जो है जेड 0.0 टाइप कर दिया उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है मेज़र लिख के आ रहा है। इस मेज़र की के नीचे जो है एक की बना हुआ है, ये सॉफ्ट की बना हुआ है। इस सॉफ्ट की को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका जो है जेड में ऑफसेट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं ये जेड को जैसे मैंने किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है चेंज हो गए आपके इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो टूल है यहाँ पर देखिए ये जो टूल है, अब इस टूल को जो है हम पहले वापस लेंगे जेड में, ठीक है, प्लस में ले जाएंगे इसको, ठीक है। अब इस टूल को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे एक्स में, उसके बाद जो है हम इसको जेड में माइनस में लेके जाएंगे, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है एक्स में आ चुका है। अब हम इस टूल को जो है बिल्कुल इसके आउटर डाया पे टच करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्स सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स सेलेक्ट किया। उसके बाद हम जो है 10 माइक्रोन में इसको जो है धीरे धीरे लाएंगे और इसको एक हाथ से घुमाते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए टूल जो है इसके आउटर डाया पे टच हो गया। जैसे ही आपके आउटर डाया पे टच हो जाएगा तब हमको क्या करना है, हमको जो है अपने कंट्रोल पैनल की स्क्रीन पर जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कर्सर है इसको हमें 6 नंबर टूल के एक्स वाले जो कॉलम है इसमें ले जाना है, ठीक है। तो हम कर्सर की मदद से एक्स वाले कॉलम पर ले जाएंगे और यहाँ पर जो है ये डाया है, ठीक है, इस डाया को जो है मेजर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम जो है इसके डाया को एक बार मेजर करेंगे, ये देखिए जब हम यहाँ पर लेते हैं तो हमारा जो है यहाँ पर जो डायमेंशन आई हुई है वो 89 mm आई हुई है, ठीक है। तो हमारा जो इसका डाया है वो 89 mm है। अब हम यहाँ पर जो है x की वैल्यू x 89.0 डाल देंगे, x 89.0। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डाला हुआ है हमने x 89.0। अब इसके नीचे वाला जो बटन है मेज़र बटन, इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी और हमारा जो ऑफसेट है वो हो जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप -141.524 ये हो गई और इस तरीके से हमारा जो है एक्स में ऑफसेट हो गया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अपने टूल को जो है एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर उठाएंगे और उसके बाद हम जो है यहाँ पर रेफरेंस कर देंगे। रेफरेंस बटन को प्रेस करेंगे और पहले जो है हम एक्स में करेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है एक्स में रेफरेंस हो गया। अब उसके बाद हम जो है यहाँ पर जेड में रेफरेंस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है हमारा मशीन जो है रेफरेंस में हो गया और अब हमारा जो है ऑफसेट हो चुका है। अब हम अपने प्रोग्राम को इजीली चला सकते हैं। जो भी प्रोग्राम में हमने टूल नंबर 6 दिया हुआ है उससे जो है हमारा ये प्रोग्राम चल जाएगा और इस तरीके से हमारा जो है ऑफसेट हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि हम CNC मशीन के ऊपर ऑफसेट कैसे लेते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।